बोली प्रेम सोम श्री सदगुरु महर्ष में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन, गुरु की आवश्यकता क्यों, भाग दो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिस जीव को संत सदगुरु अपनी शरण में ले लेता है, उस पर अपनी मोहर छाप लगा देता है, धर्म राय या उसके दूत उस आत्मा से कर्मों का दंड या टैक्स नहीं ले सकते। परमात्मा की भक्ति का एकमात्र सच्चा साधन नाम है। वह नाम हमारे अंतर में गुप्त है, उसे प्रकट करने की युक्ति संत सदगुरु से प्राप्त होती है। नाम भक्ति के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सदगुरु के बिना नाम भक्ति नहीं हो सकती। अनादि काल से यह नियम चला आ रहा है कि भव सागर में गोते खा रहे जीव आत्मा को गुरु रूपी नाविक नाम की बेड़ी पर चढ़ाकर पार उतारता है। जीव मन और बुद्धि द्वारा कितने ही प्रयत्न क्यों न कर ले, पूरे सदगुरु की सहायता के बिना वह कभी भी परमात्मा के नाम की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता। राम नाम का जो अमूल्य धन कमाने के लिए जीव संसार में आता, हुआ केवल संत सदगुरु से प्राप्त होता है। परमात्मा ने सिवाय संतों के कोई अन्य दाता संसार में पैदा नहीं किया जो कि नाम की दात बख्श सके। केवल संतों की कृपा द्वारा ही सच्चे नाम की आराधना और परमात्मा से मिलाप के सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। नौ निधियों से परिपूर्ण परमात्मा का नाम काया के अंतर ही है, पर सदगुरु के उपदेश पर अमल करने से मिल सकता है। उस परमात्मा ने स्वयं अपने साथ मिलने की विधि बनाई है कि वह जब मिलता है नाम के द्वारा मिलता है, और नाम जब मिलता है पूर्ण सदगुरु से मिलता है। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि संत मत में परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग को अनिवार्य माना गया है। पूर्ण संत की संगति के बिना ना मन में शंका और भ्रम दूर हो सकते हैं, ना परमात्मा की भक्ति के सच्चे मार्ग का पता चलता है, और ना ही भक्ति के लिए सुखद वातावरण का प्राप्त होता है। सदगुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना शब्द नहीं, और शब्द के बिना परमात्मा का मिलाप नहीं। अर्थात पूरे गुरु मुखों की संगति में लीव हरि से जुड़ जाती है, होम का नाश हो जाता है, और आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। जिस जीव को परम पिता परमात्मा अपनी भक्ति या प्रेम के रंग में रंगना चाहते हैं, वह कृपा करके उसे पूरे गुरु की संगति में ले आता है, जहाँ आत्मा स्वाभाविक ही परमात्मा रूपी सत्य में समा जाता है। वेद और शास्त्रों का पठन पाठन करके देख लो, चाहे नारद जैसे शिरोमणि भक्तों के वचनों को पढ़कर देख लो, सब ओर से यही साक्षी मिलेगी कि पूरे गुरु की संगति द्वारा नाम जप कर ही जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। हम गुरु धारण करने के लिए गुरु धारण नहीं करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु धारण करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक अभ्यास करना पड़ता है, जिसकी पूरी विधि केवल परमात्मा से अभेद हो चुका है पूर्ण महात्मा ही समझा जा सकता है। जब तक अध्यापक विद्यार्थी को स्कूल में दाखिल नहीं करते, ना विद्यार्थी स्कूल के अनुशासन का पाबंद होता है, और ना ही अध्यापक पर उसकी कोई जिम्मेदारी होती। स्कूल में दाखिल हुए विद्यार्थी को अध्यापक के कहे अनुसार चलना पड़ता है, फिर विद्यार्थी में पूरी योग्यता का निर्माण करना अध्यापक की जिम्मेदारी बन जाती है। इस प्रकार शिष्य का सदगुरु की शरण में आना, और सतगुरु का शिष्य को अपनी शरण में लेना और उसे नामदान बखसना दोनों ओर से एक विशेष रिश्ते और जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। नामदान में दान का भाव है कि संत जन अपनी मर्जी मौज या रजा से शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो गुरु और शिष्य के संबंध का वास्तविक आधार गुरु है, क्योंकि जब तक गुरु शिष्य की प्रार्थना स्वीकार नहीं करता, यह संबंध स्थापित नहीं होता
हुजूर महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे कि जब तक सवरी टिकट लेकर रेल या जहाज में नहीं बैठी, सवरी चिंता में है। जब वह टिकट लेकर रेल या जहाज में बैठ जाती है, उसे मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे या जहाज वालों की हो जाती है। इस प्रकार जब तक गुरु शिष्य को शरण में लेना स्वीकार नहीं करता है, शिष्य बंधन में है और गुरु आजाद है। जब पूरा गुरु जीव को शरण में ले लेता है तो शिष्य आजाद हो जाता है और गुरु बंधन में बंध जाता है, क्योंकि शिष्य को धूर धाम पहुंचाना गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। परमार्थी भाषा में गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होने की क्रिया को गुरु मंत्र नामदान या दीक्षा कहा जाता है। सूफी फकीरों के लिए बेत होने के शब्द का प्रयोग किया गया है। केन उपनिषद में आता है कि नेक पुरुषों से जो गुरु सम्मान है, सुना है कि बिना गुरु की दीक्षा के मूल की पहचान नहीं हो सकती। ऋषि समझाता है कि दीक्षा जड़ चेतन की गांठ खोलने और आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग करने की आध्यात्मिक युक्ति है। कबीर साहब के अनुसार शिष्य अपनी मति त्याग कर तन मन से गुरु मति में आने का निश्चय करता है और सदगुरु प्रसन्न होकर उसे नाम की अमूल्य दात बसकता है। गुरु अर्जुन देव महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हें दूर दरगाह का ज्ञान सुनाता हूँ कि सदगुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना परमात्मा का भेद प्राप्त नहीं हो सकता और सदगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना सदगुरु का हुबहू ध्यान नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं कि जिन जीवों के भाग्य जग जाते हुए सदगुरु में विश्वास करके उसके दिए गुरु मंत्र द्वारा अंतर में नाम से जुड़ जाते हैं, उनका अज्ञानता का पर्दा दूर हो जाता है और आवागमन का कर्म समाप्त हो जाता है। संकट जोनी ना पाए, अर्थात जिस प्राणी को पूरा गुरु अपनी शरण में ले लेता है और उसे गुरु मंत्र या नाम दान दे देता है, वह जीव कभी भी मानव जन्म से नीचे नहीं गिरता। अगर उसका अभ्यास पूरा नहीं होता और कारणवश उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है तो उसे फिर से मनुष्य शरीर ही बक्सा जाता है। उसने पिछले जन्म में रूहानी अभ्यास का कर्म जहाँ पर छोड़ा था वहीं से वापस शुरू कर देता है। कबीर साहब भी कहते हैं गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा के तीन प्रमुख अंग है, सुमिरन ध्यान और शब्द धुन। जिस जीव को संत सदगुरु अपनी शरण में ले लेता है उसे सुमिरन और ध्यान की विधि सिखाते हैं, जिससे सूरत को शरीर के नौ द्वारों से समेट कर आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर किया जा सके और साथ ही वे शिष्य की सूरत को अंतर में शब्द या नाम की धुन से जोड़ते हैं तथा उसे अपनी सूरत को इस धुन में लीन करने की युक्ति सिखाते हैं। संत सदगुरु जो सुमिरन शिष्य को देते हैं वह उनका अपना कमाया हुआ होता है, उसमें सदगुरु की पूरी सिद्धि शक्ति शामिल होती है। अपने से अपनाए हुए नाम का सुमरन हाथ में पकड़ी बंदूक की गोली के समान और संत सदगुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमरन बंदूक की नाली में से निकल कर आई गोली के समान है। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमणि की एक पूरी अष्टपदी में सुमिरन की महिमा की है। कबीर साहब ने अपने शब्द में कहा है कि सुमिरन की अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए फरमाया है कि हर प्रकार की परमार्थी प्राप्ति का साधन सिद्ध होना सुमिरन सदगुरु से प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी उस सदगुरु पर बलिहार जाने का उपदेश देते हैं जो हरि का सच्चा सुमिरन बक्सा जाता है। सुमिरन जो सब पापों का नाश करके आत्मा को पूरी तरह निर्मल बना देता है।
गुरु मंत्र का दूसरा अंग है ध्यान। सुमिरन द्वारा मन और आत्मा आँखों के पीछे एकाग्र होते हैं और ध्यान द्वारा आँखों के पीछे स्थिर होते हैं। ध्यान केवल उसके स्वरूप का किया जा सकता है जिसे देखा हो और जिसका कोई ध्यान करता है वह उसी का रूप हो जाता है। संत सतगुरु अपना वजूद परमात्मा में लीन कर चुका है, वह परमात्मा में समा कर परमात्मा का रूप हो चुका है। इसलिए उसके निरंतर ध्यान के द्वारा जीव भी न केवल सतगुरु के समान हो जाता है बल्कि उसकी भांति परमात्मा में समा जाता है। सतगुरु देहधारी शब्द है। जिस प्रकार दर्पण में अपना रूप साफ दिखाई देता है, संत सदगुरु की देह वा दर्पण है जिसमें से परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। संत सदगुरु परमात्मा की भांति निश्चल हो चुका है, उसका ध्यान हमारे ध्यान को भी निश्चल बना देता है। बोल पेम सोम श्री सदगुरु मैट्स में ही परमहंस महाराज जी की जय।